नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां लोहागढ़ निवासी संजय गुर्जर ने थाना समथर में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनके चचा बख्त सिंह 8 अगस्त 2023 को शाम 7 बजे अपना खेत देखने निकले थे। वही देर रात घर वापस नहीं आए। जब घर वालों को चिंता हुई तो उनकी तलाश की गई। सुबह करीब 8 बजे परिजनों को सूचना मिली कि किशनपुरा माइनर के पास उनके चचा की मोटरसाइकिल खड़ी है। वही माइनर के पानी में बख्त सिंह की मृत शरीर पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही परिजन उक्त स्थान पर पहुंच गए। वही समथर थाने को सूचना भी दी गई। सूचना पाकर थाना समथर प्रभारी निरीक्षक और वही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। बाद में फॉरेंसिक टीम द्वारा वहां पर साक्ष्यों को जुटाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही अगली खबर एटा से है, जहां जिले के अलीगंज कस्बे में मृत लेखपाल और उनकी पत्नी के निधन के बाद उनकी सगी बेटी ने गजब का कारनामा कर दिया। दरअसल दस्तावेजों में हेराफेरी कर आरोपी बेटी ने मृतक लेखपाल के आश्रित पत्नी बनकर लाखों रुपए का सरकारी धन का लाभ प्राप्त कर लिया। वहीं मामले में शिकायत होने के बाद उप जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई गई। वहीं बाद में पुत्री के विरुद्ध रजिस्ट्रार कानूनों के तहत कोतवाली अलीगंज में मुकदमा दर्ज करवाया गया। अलीगंज थाना पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी पुत्री मोहसिना परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना अलीगंज पर एक FIR दर्ज हुई, जिसने ये प्रकरण कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद भी पेंशन लेती रही। इस अभियुक्ता के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसमें विश्लेषणात्मक कार्रवाई पुलिस ने। वही अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां जनपद के DM चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में कुपोषण बुलंदशहर छोड़ो अभियान का शुभारंभ किया गया। DM ने बताया कि 9 अगस्त 1942 को देश में अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, जिसकी तर्ज पर 9 अगस्त 2023 को जनपद में कुपोषण बुलंदशहर छोड़ो अभियान को शुरू किया गया है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसके फलस्वरूप 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे। इस समय हम लोगों का आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। बुलंदशहर NCR का बहुत ही समृद्ध जिला है, परंतु हमारे गांव में शहरों में कुछ बच्चे किन्हीं कारणों बस अति कुपोषित हैं। उनको ऐसा कौन सा आहार दिया जाए, ऐसी कौन सी खाने पीने की चीज़ें दी जाए, ताकि वो भी स्वस्थ हो सके, स्वस्थ हो करके पूरी तरीके से पोषित हो करके एक सामान्य बच्चे की तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए, सामान्य बच्चे की तरीके से पढ़ाई करें और जीवन की मुख्य धारा में जुड़े। इसको आधार मानते हुए हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अध्यापकों ने, सभी प्रधान जी ने और जितने भी हमारे और विभागों के कई एक अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने एक प्रण लिया है कि साहब हम गांव के सबसे अति कुपोषित बच्चे को गोद लेंगे। वही अगली खबर झांसी से है, जहां उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला को संचालित करने वाले ब्रजेश पाठक और कथोली महाराज के ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज होने के बाद आज झांसी के महंत आचार्य हरि ओम पाठक समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। वही आचार्य हरिओम पाठक ने कहा है कि एक गौ सेवक के ऊपर इस तरह के मुकदमे, वो भी बिना किसी जांच के बाद से लगाना, ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक एक लंबे समय से गौ सेवा करते आ रहे हैं और समाज सेवा के कार्य में भी वो हमेशा आगे रहते हैं। सब कुछ के बावजूद उनके ऊपर ऐसा घिनौना आरोप बहुत ही निंदनीय घटना है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वो पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए और जो दोषी हो उनको सदा के लिए जेल की कार्रवाई की जाए। एकमात्र गिरी गाय की सबसे बड़ी गौशाला थी और उस गौशाला के सेवक ब्रजेश पाठक मऊरानीपुर के, वो अपना उन्होंने 10 साल से पूरा समय गौ सेवा में लगा रखा था। उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की सदस्य थी, लेकिन उनका उत्पीड़न प्रारंभ हुआ। यहाँ तक हुआ कि उनकी गौशाला यहाँ से हटानी पड़ी। तमाम कार्यक्रम हुए, जो गौए उत्तर प्रदेश के लिए स्वाभिमान का प्रतीक थी हमारे धर्म समाज में। मुद्दा है गौभक्त ब्रजेश पाठक के ऊपर झूठा कलंक लगाया गया कि किसी 13 वर्ष की कुमारी कन्या के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया, ऐसा झूठा उन पर कलंक लगाया गया। इस बात को लेकर के संपूर्ण समाज जो ब्रजेश पाठक के चरित्र से
परिचित है वो उनके साथ खड़ा है। ये कह रहा है कि इस मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए, ये मामला पूरा झूठा है। वही अगली खबर गाजीपुर से है, जहां आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वही शहर के गांधी पार्क में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को शुरू किया गया। कार्यक्रम में जुटे लोगों ने पंच प्रण लिया। इस दौरान लोगों ने शहीदों की धरती की मिट्टी को नमन करते हुए देश के वीर शहीदों को याद किया। देखिए, जो हमारा देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है पिछले वर्ष से, और आजादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से इस बार जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं वो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है। और इसके जो घटक है वो माटी को नमन, वसुधा वंदन और वीरों का नमन है। और हम इस बार हमारी माटी को नमन करते हुए सभी शहीद वीरों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए और उसको अक्षुण रखने के लिए। अभी तक सब जंगों में शहीद हुए और लड़ाई करी, और इस अवसर पर हम पुनः संकल्पित हो रहे हैं कि अपने देश की प्रगति के लिए हम सब अपना अपना योगदान देंगे। वही अगली खबर कानपुर से है, जहां महिला सशक्तिकरण के लिए पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सपने को पूरा किया है कानपुर के रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र ने। यहां से इतिहास में पहली बार महिला ड्राइवर का एक बैच तैयार हो गया है। और में आने से मतलब रोडवेज में वैकेंसी निकली हम लोग के ट्रेनिंग लेने के लिए पेपर में, तो हम लोग देख कर मतलब अच्छा लगा और फिर हम यहाँ पर आए, फिर फॉर्म वगैरह भी पूरा प्रोसेस किया और एसपी सर से हमारा मिलना हुआ ट्रेनिंग सेंटर। उन्होंने ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस रखा, कैसे इन लोगों को ट्रेनिंग देनी, कितने महीने डिपो में रखना है। सर बहुत बढ़िया लगता है, पहले तो बहुत मनोबल लोगों ने गिराया मेरा, फिर इसके बाद बहुत अच्छा एसपी सिंह का हम लोग ज़्यादा करेंगे, उन्होंने हम लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी निर्देश थे और मंशा थी कि महिला सशक्तिकरण के तहत महिला बस चालक तैयार की जाए, तो ये कौशल विकास मिशन और परिवहन निगम ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया जो पूरे देश में इस तरह का अपने आप का पहला प्रोजेक्ट है। और अभी हमारी 17 महिलाएं जो पहले बैच की हैं वो प्रशिक्षण लेके 9 डिपो में प्रशिक्षण के आखिरी स्टेज पे है। वही अगली खबर कानपुर से है, जहां बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में आगामी मतदान दिनांक 22 को होनी है। वही महामंत्री पद के प्रत्याशी आदित्य कुमार सिंह को 2022 के समर्थन में अधिवक्ताओं के द्वारा आज कानपुर में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सम्मानित अधिवक्ता और सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने एक स्वर में आदित्य सिंह के हक में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवाकर विजयी बनाने का संकल्प लिया। प्रत्याशी महामंत्री कानपुर बार एसोसिएशन, और आज के जो ये नुक्कड़ मीटिंग की गई है अधिवक्ताओं की, ये हमारे अधिवक्ता साथियों ने मेरे समर्थन में एक छोटी सी नुक्कड़ मीटिंग झंडा चौराहे पर आयोजित करी गई। किस चीज़ की रखी ये मीटिंग? कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव के संबंध में एक छोटी सी गोष्ठी रखी गई है, जिसमें अधिवक्ता भाइयों का समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। वही अगली खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है, जहां बसंतपुर गांव में करीब एक महीने पहले खेत में काम कर रही एक महिला के साथ कुछ लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी और आरोपियों ने उनके गहने भी लूट लिए थे। महिला को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं दूसरी तरफ उसके पति और महिला की शिकायत पर ललिया थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। जुलाई को एक घटना घटित हुई थी ग्राम बसंतपुर में, जहां एक महिला खेतों में गंभीर हालत में घायल अवस्था मिली थी। उनके परिजन के द्वारा थाना ललिया में लूट की तहरीर देते हुए 394 और 411 IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिस घटना के अनावरण हेतु लगातार थानाध्यक्ष ललिया द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में तफ्तीश के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि उसी गाँव में गाँव के बकेरू यादव और एक और महिला, इनके बीच में कुछ अवैध संबंध थे। और जिस समय ये महिला जो घायल अवस्था में मिली थी, वो जब घास काटने अपने खेतों में गई तो उनको उन्होंने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके क्रम में इन दोनों के द्वारा बकेरू यादव और उस महिला के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई और इनके जो टॉप्स और सोने की माला पहनी हुई थी वो छीन लिया। इस घटना के अनावरण करने के पश्चात दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।